मुझसे एक बार जब मैं ट्रेनिंग देता था तो मुझे ये क्वेश्चन एक बार पहले मुझसे पूछा गया था कि सर हम इंग्लिश आसानी से क्यों नहीं बोल पाते, कि हम लोग इंग्लिश सीखने में कठिनाई या डिफिकल्टी क्यों होती है। तो उसका आंसर मैंने तब भी दिया था और आज भी देता हूँ कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोगों को इंग्लिश बोलते टाइम पे जो है हम लोगों एक्चुअली हम सभी का प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों की जो है राष्ट्रभाषा हिंदी है और मातृभाषा हम लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट। किसी की गुजराती है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मारवाड़ी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, तो सबकी लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उससे रीजन से क्या होता है कि हम लोग जब इंग्लिश बोलने जाते हैं, हम लोग घर में मातृभाषा अपने पेरेंट्स से कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड से अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, और हम लोग प्रोफेशन में अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो इंग्लिश का यूज़ करते हैं मेनली, या हिंदी यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को, हमारे माइंड को जो है, कोई भी एक सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हमारे माइंड को दो तीन प्रोसेस करना पड़ता है, दो तीन स्टेप्स लेना पड़ते हैं कि अगर कोई वर्ड हमने लिखा कि क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, व्हाट हैपन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। बट हम लोगों की मातृभाषा डिफरेंट है। कोई गुजरात है, जैसे मैं गुजरात में हूँ या कहीं हूँ, तो गुजरात में बोलेंगे शू थयू। तो शू थयू को पहले मेरे माइंड को प्रोसेस करना पड़ेगा कि शू थयू मतलब उसका मन मीनिंग क्या होता है। मेरे माइंड में सोचा शू थयू मतलब क्या हुआ, राइट। तो उस क्या हुआ को फिर मेरे माइंड को ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि क्या हुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट हैपन, राइट। तो पहले मैंने अपनी मातृभाषा में सोचा, फिर उसके बाद मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मन में सोचा, और फिर थर्ड मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो मेरे माइंड को तीन स्टेप्स करना पड़ी उस सिंपल एक लाइन को ट्रांसलेट करने में। तो अब ये चीज जो है लिखने में आसान होती है, राइट। आप लिखने में आप लिख सकते हो, आपका माइंड को ज्यादा टाइम मिलता है लिखने लिखते टाइम पे। लेकिन जब आप बोलते हो, आप स्टेज पे खड़े हो, तो एक तो आपका स्टेज फियर तो है ही, आप लोग आपको देख रहे हैं, तुरंत आपको रिस्पॉन्स देना है उनको, और आपको फिर फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलना है। तो उसमें उस रीजन में क्या होता है कि हमारे माइंड को तीन बार ट्रांसलेट करना पड़ता है, और हर लाइन को हम तीन तीन बार माइंड हमारा ट्रांसलेट करता जा रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों की फ्लुएंसी कम हो जाती है और हम लोगों को टफ होने लगता है। हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हमारा माइंड पहले एक तो स्टेज फियर, एक डर हमारे अंदर कि लोग बैठे हैं, वो डर की वजह से हमारे हेजिटेशन है। प्लस तीन बार हमारे माइंड को प्रोसेस करके हर एक इंग्लिश सेंटेंस को इंग्लिश में लाना पड़ रहा है या बोलना पड़ रहा है, तो वो चीज हम लोगों के लिए इंग्लिश को टफ कर देती है। तो ट्राई करें कि आप जो जनरल कन्वर्सेशन करें वो हिंदी में करें, या आप ट्राई करें कि वो इंग्लिश में ही बेटर इंग्लिश में करें, तो उससे आपको क्या है कि डिफिकल्टी नहीं होगी, या एक ही लैंग्वेज आप यूज करना ट्राई करें। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। मेनली हम लोग हिंदी, हर हर स्टेट हर कंट्री में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज क्यों रखी जाती है, चाइना हुआ चाइनीज हुई, मैंड्रीन हुई, राइट, जापानीज जापान में हुई, सबकी एक लैंग्वेज है। अब हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों की हिंदी राष्ट्रभाषा है, राइट, लेकिन हमारी अलग अलग हर स्टेट की अलग अलग भाषा है हमारे पास, जो लैंग्वेज जो अलग अलग है, बंगाली है, हमारी राजस्थानी गुजराती अलग अलग लैंग्वेज। तो हमारी मातृभाषा तो अलग है और राष्ट्रभाषा हमारी अलग है, लेकिन अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। अदर कंट्रीज में एक लैंग्वेज है सबकी, जो उनकी देश की है, और उसके बाद इंग्लिश है, तो वो आसानी से ट्रांसलेट कर पाते। तो ट्राई कीजिए कि आप ज्यादा कन्वर्सेशन या सोचे एटलीस्ट हिंदी में सोचना शुरू करें।